नमस्कार। जैसे मैंने लिखा हुआ है, मैं पहले गाना गा के आपको बता देता हूँ एज एन एग्जाम्पल, और बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा कि दिया देने वाले ने तुझको, ऐसा एक गाना है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। अब यह है बहुत दिया देने वाले ने तुझको। ऐसे कई गाने हैं जो लोग गाते हैं तब उस चीज़ को बदल देते हैं, उसकी टोनालिटी को बदल देते हैं। सो व्हाट आर द मेन कॉज जहाँ व्यक्ति नेजल हो जाता है? सो पहले मैं टेक्निकली ये चीज़ ब्रीफ कर देता हूँ ताकि मुझे यूट्यूब के लिए भी ये वीडियो आसानी से, इट विल बी अ टू द पॉइंट वीडियो। इकबाल वेलकम, एंड आई थिंक ईद आवी गई है, सो विश यू ऑल द हैप्पी थिंग्स एंड तपश्चर्या साधनाओनू ઈશ્વર ઘણું બધું આપે। ઓકે, સો વોઇસ નેઝલ ક્યું હો જાતી હૈ? સો ઇટ્સ અ વેરી મેં આપકો ટુ ધ પોઈન્ટ બાત કર લેતા હું, ફિર બાદ મેં હમ સંગીત કે બારે મેં કુછ બાત કરેંગે। સો આઈલ ટેક ધ ક્લોક વોચ। સો सबसे पहली बात है कि देर इज़ अ शटर सिस्टम। हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर एक शटर सिस्टम है। एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको पीछे एक चीज़ के दर्शन करा देता हूँ तो मुझे घड़ी घड़ी कहना नहीं पड़े, ये इट विल बी द फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्रेंड्स, कि जैसे ही आप जुड़ जाते हो आप एक आदत रखें कि जुड़ने के साथ ही आप शेयर का बटन दबा दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे बहुत जगह से मिली है, मेरी अपनी नहीं है, मैंने इजाद की हुई नहीं है, लेकिन कई डॉक्टर्स का साथ सपोर्ट लेके मैंने ये चीज़ की है। सो देर इज़ अ शटर सिस्टम, कीप ऑन शेयरिंग, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग। देर इज़ अ शटर सिस्टम जिसके अंदर हवा दो रास्ते से जाती है, एक नाक से और एक गले से। एक नाक से जाती है, एक वॉइस गले से जाती है। सो वेन वी से न म, सो उस वक्त अगर आप यहाँ उंगली रखते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसे हम बोलते हैं नरेंद्र, नरेंद्र, सो न एंड्र, ये दोनों में हमारा नाक वाइब्रेट होगा। सो आपके जिस एरिया में वाइब्रेशन होता है दैट इज अ सिंपल इंडिकेशन कि आपकी आपकी वॉइस जो है वो उस एरिया में एक्टिवेटेड है। कोई कहता है पेट से गाते हैं, चेस्ट वॉइस से गाते हैं, थ्रोट से गाते हैं। सो अक्सर यू हैव टू यूज द एंटायर सिस्टम। वन ऑफ द रीजन, नहीं वॉल्यूम इससे ज्यादा नहीं पड़वाए, आप ईयरफोन लगा दीजिए, आई नो क्या लेवल जा रहा है, मुझे पक्का मालूम है। ये इमेज रिवर्स है, वो चेंज नहीं होगी, और ये वॉल्यूम है, ये इससे ज्यादा नहीं होगा, हो पाएगा। आई जस्ट मैं थोड़ा सा नज़दीक ले लूँगा बिकॉज इट विल चेंज द एंटायर पोजिशन, बट स्टिल चलो अब इससे आगे नहीं हो पाएगा। सो एंड आई नो इट्स इनफ, आप ईयरफोन ले लीजिए, शायद आप ईयर प्लग पे नहीं सुन रहे हो। ओके, अपना कल्चर, हमारे, मैं गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों में बोलते जाऊँगा। सो इट 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 अटैच टू थ्री कल्चर्स, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी लैंग्वेज में मेरा इतना प्रभुत्व नहीं है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप गुजराती में नहीं करते हो, कई लोग कहते हैं आप हिंदी में नहीं करते हो, और कई लोग कहते हैं आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते हो। सो आई विल यूज थ्री लैंग्वेजेस। सो द बेसिक रीजन ऑफ वाई वी टेंड टू सम टाइम और मेनी टाइम इंटेंड टू सिंग इन अ नेजल, फ्रॉम द नेजल कैविटी और नेजल वॉइस, नाक से आवाज जिसको हम कहते हैं, नाकमाथी गाय से अथवा तो नाकमाथी बात करे छे। सो दिस इज ऑल फॉर डबिंग आर्टिस्ट, दिस इज ऑल फॉर सिंगर्स एंड एवरीबडी। सो जो लोग नए जुड़ रहे पीछे का बोर्ड पढ़ लेना, शेयर करते रहना। यस वेलकम पार्ले। सो दैट शटर सिस्टम, इफ ये
मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बाद में करते हैं बात हम. सो दैट शटर सिस्टम, वो कई बार उसकी सिस्टम फेल हो जाती है. जैसे कि मैंने कहा कि मैं नरेंद्र, तो अगर न है और रे जो है, तो रे मेरा एज टोन है, न मेरा नेजल टोन है, इंद्र तो न डी आर, इन न वो वापस नेजल है और डी से मैं बाहर निकल जाऊंगा. सो नरेंद्र 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 नरेंद्र, अलग अलग टोन्स है, राइट. बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बात करते करते, हाँ भाई वहाँ क्या हुआ ना, मैं नरेंद्र भाई से मिला था, और फिर नरेंद्र भाई ने ये कहा, नरेंद्र भाई ने वो कहा, अब वो नरेंद्र के न से बात शुरू हुई, एंड दैट ना 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 ना, द एंटायर कॉन्वर्सेशन वेंट इन टू द नेजल कैविटी. जो हवा हमें यहाँ से निकालनी है वो यहाँ से निकलने लगी है. क्या अब उसके क्या इलाज है पूरा, मैं आज इसी के बारे में बात करना चाहूँगा. सो कल्चर, जैसे हम लोग काठियावाड़ी है, मेरा अपब्रिंगिंग काठियावाड़ में हुआ. सो वॉट हैपन्स इज, वेलकम पायल, दिस इज फॉर ऑल एक्टर्स सिंगर्स डबिंग आर्टिस्ट, एंड इट इज हाउ इट वर्क्स, द वोकल कॉर्ड वर्क्स, एंड हाउ समटाइम वी गेट इन टू अ नेजल कैविटी रिजल्टिंग बैड टोन एंड सफरिंग्स. सो अगर मैं सौराष्ट्र से हूँ और सब बात करते, सो पहले ये होता था कि इतना क्लोजली बात नहीं करते थे, क्लोज माइकिंग पे. जैसे फ़ोन पे अगर मैं आजकल के बच्चों को बात करते सुनता हूँ, तो वो ऐसे, क्या फिर, अच्छा. सो हमें पता भी नहीं चलता है. सो दैट्स अ न्यू कल्चर. पर अभी मैं, जैसे किसी ने बताया कि आई एम नॉट साउंडिंग दैट, या थैंक यू, दैट लाउड, बिकॉज मेरे से एक एक 1.5 फुट की दूरी पर है ये माइक्रोफोन. नाउ इफ आई यूज दिस माइक्रोफोन, द सीन विल बी डिफरेंट, मेरा बात करने का तरीका बदल जाएगा. नाउ आई एम टॉकिंग फास्ट बिकॉज आई हैव टू मेक अ वेरी प्रिसाइज वीडियो ऑन दिस, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द मैनी पीपल इन यूट्यूब. अगर 1 लाख लोग देखते हैं और मैं 1 मिनट सेव करता हूँ, तो 1 लाख मिनट सेव होता है. उस चक्कर में देर इज अ नेचुरल एंग्जाइटी इन डबिंग आर्टिस्ट, इन एक्टर्स, इन सिंगर्स, कि वो वाइल्ड परफॉर्मेंस दे हैव टू एक्ट सो ऑन सो मैनी सब्जेक्ट्स, तो वो एक इनबिल्ट एंग्जाइटी या एक्साइटमेंट जो भी है, हमारी नेचुरल सिस्टम को ये बात पता नहीं है. सो मैं बात कर रहा था अपने कल्चर की, कि अपने शहर के अंदर, आप जिस शहर में रहते हो, तो समझो कि मेरे घर से मैं सामने वाले घर से बात करता हूँ. सो मैं बोला, कहाँ मोटा, कैम छो. सो दैट्स अ नॉर्मल काठियावाड़ी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. हाँ भाई मजा में, हाँ तो भाई शू, सो एंड देन वी इंटर, अरे भाई कैम छो, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कभी, ऐसा नहीं होता है. सो दैट कल्चरल थिंग्स आर, जैसे कि पंजाबी है तो टोल ऐसे बोलेंगे. सो मोस्ट ऑफ द पंजाबीज हैज अ टेंडेंसी टू यूज देयर हेड वॉइस एंड देन चेस्ट वॉइस एंड देन दी एंटायर सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल थिंग्स. सो कल्चर जीन्स में भी होता है, ऐसा कहा जाता है कि जीन्स में भी होता है. मैं इस बात को इस तरह से लेता हूँ कि जीन्स में कैसे होता है, कि मैं बचपन से अपने पेरेंट्स को जिस टोन में सुनता हूँ, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल. जैसे अभी इकबाल है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो व्हेन आई टॉक टू इकबाल, तो वी बोथ स्टे इन मुंबई, बट वी बोथ फ्रॉम द सेम प्लेस, तो बचपन की वो यादें हैं जो ट्रिगर हो जाती हैं. तो थोड़ी देर में, हाँ इकबाल कैम छो, हाँ अच्छा, हाँ, मोटा, अरे मजा आई, एंड देन पता चला 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद, हाँ मोटा, हाँ कहीं ना, एंड सडनली वी गेट इन टू दैट नेजल थिंग. बट दैट्स अ नेचुरल थिंग. आई हैव स्पेंड माई होल चाइल्डहुड विद दैट, एंड आई हैव स्वीट मेमोरीज ऑफ दोज टोन्स, सो आई विल नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज उससे मुझे मेरे मन को आनंद मिलता है. सो इन जनरल इट इज हेल्पिंग माई फिजियोलॉजी. बट वेन इट कम्स टू डबिंग और वेन इट कम्स टू सिंगिंग, तो कोई होता जिसको अपना, देन आई विल टेक केयर के कोई होता, या फिर ए दिल बेकरार सुन, मैं ये कभी टेंडेंसी नहीं डेवलप करूंगा. अगर मुझे वो गाना भी गाना, तो ए दिल बेकरार सुन, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें न एक ही है, अक्षर न. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को फास्ट लग रहा है, तो रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, यूट्यूब पर भी चढ़ा दूंगा इसको मैं. मैंने कहा म न, इसके बाद अगर कोई लेटर आता है, मनहर मनहर, सो मनहर, नो मन तर्प, नो मन त त त हैज नो नेजल, सो तर्पत हरि, ह ह ह ह इज अ चेस्ट वॉइस,
चेस्ट टू थ्रोट, ये एरियाज को समझना जरूरी है। हरि दर्शन, अभी अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो मा तर पत हरि दर, देन दिस इज नेजल। तो ये जो लीकेज है, मैंने कहा कि जो शटर सिस्टम है बिटवीन योर नोज एंड माउथ, और ये शटर क्यों रखा हुआ है? अगर वो शटर नहीं होगा तो हम जब खाना खाते हैं, या जो कभी श्वास नली में हमारा खाना चला जाता है और खांसने लगते हैं हम, वो ना हो उसके लिए उस शटर का बंदोबस्त किया गया है, राइट? सो दैट शटर इज फॉर द बेनिफिट। सेकेंडली, जो हमारा पैलेट है, पैलेट और बाकी के मसल है, जैसे आप, अब एक एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ जो मैं हर रोज करता हूँ सुबह उठ के, कि पीयूष वेलकम, दिस टंग एरिया यू हैव टू कीप ऑन मसाजिंग। जैसे हम ब्रश वश कर लिया, बाय द वे क्लीन करने के लिए हम करते हैं, और पुराने जमाने में लोग करते थे अक्सर, काफ़ी आवाज़ निकाल के करते थे। सो दैट हेल्प्स यू, दी आपका एंटायर डायफ्राम से लेके सारी चीज़ें, इट कम्स इन ऑर्डर। और सेकेंडली, जो प्राणिक हीलिंग में ये जो कहते हैं कि जो हमारे मेरिडियंस हैं बॉडी के अंदर, पांच मूल शक्ति के स्तोत्र हैं, वो मेरिडियंस भी ऑर्डर में आते हैं क्योंकि वो एक जगह पे उनका जंक्शन होता है। सो दिस इज़ द राइट प्लेस। नए लोग जो आए हैं पीछे बोर्ड देख लें, प्यार बांटते चलो, जितने लोगों को ये ज्ञान पहुंचेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके होमवर्क करके बैठते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स से पूछा है, काफ़ी सिस्टम्स को समझा हूँ, और उसके बाद मैंने ये लोगों के लिए बनाया है, एंड इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप कौन सी साउंड सिस्टम यूज़ करते हो, आई एम नॉट यूजिंग एनी साउंड सिस्टम, इट्स जस्ट अ स्पीकर ऑफ अ कीबोर्ड, उसके अंदर मैंने माइक्रोफोन को इन किया है। सो इट इज़ द वॉइस विच यू आर डिलीवरिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अक्सर देखा जाता है कि वॉइस डिलीवरी पे लोग ध्यान नहीं देते। आज हम बच्चन साहब को क्यों, बच्चन साहब बहुत सारे एक्टर्स थे, मतलब खन्ना साहब का एकदम रुतबा था उस वक्त, बच्चन जी की अपनी आइडेंटिटी बनी, बिकॉज कि वो अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो बोन के रख दूंगा, वो वाली जो वो, या मैं और मेरी तन्हाई, वो जो उनके डायलॉग्स है। सो दैट वॉइस व्हाट यू डिलीवर, आपकी आवाज़ से पता नहीं चलना चाहिए कि आप गुजरात के हैं या आप महाराष्ट्र के हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, बट आपकी आवाज़, आप जो बोल रहे हो, वो प्रोनाउंसिएशन, वो डिक्शन, वो फोनेटिक्स, वो सब इट हैज़ टू बी, और वो अंग्रेजी हिंदी में है। आगे बढ़ता हूँ मैं। सो वेन एवर यू से म न मणि बेन मणि बहन मणि बहन। सो वेन अणि आया, तुरंत आपको अलर्ट रहना है, एंड ये आदत थोड़ी दिन में आ जाती है, पर बट मणि बहन कोने त्या जाऊ छो, मणि बहन ने त्या जाऊ छो, नो मणि बहन ने त्या जाऊ छो, दैट यू यू बिकम मोर क्लियर अबाउट दैट। ओके, पीछे बोर्ड देखते रहना, जो नए लोग जुड़ रहे हैं 30 हैं, अभी थोड़ी देर में 60 हो जाएंगे। सो कीप ऑन शेयरिंग, प्यार बांटते चलो, आगे कुछ नहीं कहूंगा, यू हैव टू शेयर इट, इट्स नॉट अ सेल्समैन गिरी, बट या वर्षा वेंकैम छो, गुड इवनिंग। मैं ये सेशन के बाद मैं पूरी सारी बातें करूंगा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट ऑन यूट्यूब, और बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल मुझे पूछा है, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि नेजल टोन को कैसे बदले हम। सो टूडेज कंप्लीट सेशन इज जस्ट फॉर दैट। हाँ नैना बहन, केम छो? सेकेंडली, कीप ऑन रिहाइड्रेटिंग योर सेल्फ। हर सिंगर्स को दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, पूरे दिन के अंदर 3 से 5 लीटर पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 लीटर पीते हो तो 3 लीटर से, 2 से 3 लीटर जाएगा, बाकी का एक्वा पॉरिंग के इश्यूज है पॉल्यूटेड वाटर की वजह से। सो यू यू कांट, सारा पानी नहीं जाता है। ओहो ओहो सब दोस्त आ रहे हैं आज, कीप ऑन शेयरिंग। कोई भी गाना है उसको सबसे पहले लिख लो और उसको बोल लीजिए, ताकि वो म ण के बाद का की समस्या नहीं होगी। सो कोई सॉन्ग अगर गाते हैं तो उसमें प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम को कैसे, उर्दू हमारे संस्कृत जैसा है वैसा ही उर्दू है, हमें उर्दू एंड इफ पॉसिबल अरेबिक सीखना चाहिए, या कम से कम उसके जो ट्यूटोरियल्स हैं। मैं क्या करता था कि मैं न्यूज़, मुझे पता है कि अभी ये कोविड चल रहा है या कोरोना चल रहा है या फ्लाइटें शुरू होने वाली है, अगर मुझे कोई नई लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है, सपोज पंजाबी अडॉप्ट करनी है, तो मैं ये सारे समाचार पंजाब में सुनता हूँ। तो उसके बाद, क्योंकि वो रेफरेंस है कि आज मैंने पंजाब में हिंदी में न्यूज़ पढ़ लिया, और वही न्यूज़ मैं सुन लेता हूँ पंजाबी में, तो 15 20 30 दिन के बाद मुझे धड़ 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 से वो समझ में आता है। मराठी में वैसे ही सीखा हूँ। सो दैट इज द कोर थिंग।
किसी भी अच्छे उर्दू शायर को सुनिए, मुशायरों को सुनिए, तो उर्दू जिनकी पक्की है, संस्कृत जिनका पक्का है, वो बस तो हो गया। दो दो मेजर कल्चर है जिसके अंदर, अंग्रेजी तो हमें सीखने से, देखो हमारा कल्चर संस्कृत में है या उर्दू में है और हम पढ़ते इंग्लिश में है, इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन है ये। इस वजह से हमारे टोन्स को पता नहीं है कि 300 साल से हम क्या भाषा बोल रहे हैं, 5000 साल से क्या भाषा बोल रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कास्ट एंड ये सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमें सब आना चाहिए। ओके, फ्रेंच भी सीख लो तो अच्छी बात है। ओके, सो गाना लिख लीजिए कि कफस उदास है यारो सबास है कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्रे यार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार। कोई भी आप लाइन है उसको लिख लीजिए तो आपको कभी प्रॉब्लम, जैसे मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, अभी वो सारे वॉइस अपने आप सेट हो जाएंगे कि मकाम, अब मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो मकाम फैज कोई, ये नेजल हो गया। इट स्टार्ट्स विद अ लिटिल एंड देन इट इंक्रीजेस। और एक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी एलर्जी, कोई भी कंजेशन है नेजल कैविटी में, देन यू टेंड टू गेट इन टू नेजल स्टफ, राइट? सो उसके लिए होम्योपैथी में आर्सेनिक आल जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है कोरोना के लिए, वो बहुत अच्छी है एलर्जी के लिए। एलियम सीपा है, पर आप बिना डॉक्टर की कंसर्न किए बगैर मत लो। दोस्तों 23 लोग देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर इट टू मोर पीपल, लेट इट गो टू ज़्यादा, बहुत लोगों से भीख मांग मांग के मैंने नॉलेज लिया है, ट्रस्ट मी। पांच पांच डॉक्टर को ऐसे बिठाता था, भाई ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज़ रिपलिंग मोशन, व्हाट इज़ फैनिंग मोशन, उस चीज़ को मैंने म्यूजिकल कर दिया है। सो इट इज़ द मोस्ट, दुनिया में पांच या छह डॉक्टर्स या छह टीचर्स ऐसे हैं जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, और मैंने मांग मांग से लोगों से, सो प्लीज़ शेयर इट, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ कि मैं सिंगर हूँ मैं इनको क्यों शेयर नहीं करूँ। मैं देखता हूँ लाइव के बाद कि कौन कौन शेयर कर रहा है, तो कल का मेरा इसका खाली 12 शेयर्स हैं। सो इट इज़ नॉट डन, अगर आप देख रहे हो प्लीज़ अपने अपने यार दोस्तों को भी, उनकी सेहत अच्छी होगी वो आपको दुआएं देंगे, प्लीज़ डू दैट। इट्स आई एम नॉट बेगिंग फॉर शेयरिंग्स, 300 300 शेयर्स होते हैं मेरी पोस्ट के, पर डू इट प्लीज़। ओके, एलियम सिपा साइनोसाइटिस, इसका एक इलाज है, आप यॉनिंग जैसा करो ना, ये एडम्स एप्पल है, ये नहीं हिलेगा, पर अभी मैं यूं कर रहा हूं तो बहुत हिल रहा है। सो दिस इज द थिंग वेयर यू कैन ओपन अप योर वॉइस, यह है ज्ञान की ये गंगा, ये जो मैं कर रहा हूं दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो अ प्रैक्टिस वेयर यू आर लर्निंग। या आप अपनी बात हुई थी उस दिन, तो मैंने आपको, मैं ये आपका बात का जवाब देता हूँ कि वॉइस शिवर करने का ये कि आपको सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, 15 15 मिनट के चंक में, आपको 3 4 5 बार खाना बनाते वक्त यू हैव टू कीप ऑन सिंगिंग, यू हैव टू कीप ऑन सिंगिंग, पर ओवर नहीं करना है, ब्रेक लेना है फिर गाना है, ब्रेक लेना है फिर गाना है, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैंने आशा जी को ही पूछा था, तो आशा जी ने अक्सर कई बार ऐसा कि कोई सिंगर है तो तुरंत बोल देते थे कि रियाज कम है, रियाज कम है, तो रियाज कम का मतलब ही यही है कि एक व्यक्ति फिजिकल फिटनेस वाला है, तो आपको देख के पता चल जाता है कि आदमी फिट है, उसी तरह सिंगिंग में भी है, बट यू डोंट हैव टू ओवर डू विथ योर वोकल कॉर्ड्स, नहीं तो नोड्यूल्स होते हैं उसमें। सो बगासा गुजराती में बोलते, यॉनिंग, उबाशी, और बेस्ट आइडिया तो मैं ये कहता हूं कि लाखों है यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं, या तुरंत आप दूसरा गाना गा लीजिए, दो रोज में वो प्यार का आलम गुजर, यह हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सजा ना आई। सो यू कीप चेंजिंग द वॉइसिस, तो आपके वोकल कॉर्ड को इतनी आदत हो जाएगी कि योर वोकल, यू विल बी मास्टर ऑफ योर, आप ये अपने जैसे हमारा अंग है, कभी हम बजाने में मिस्टेक नहीं करते हैं, कभी हम
चाय में चम्मच हिलाते वक्त मिस, क्योंकि वी हैव अ मास्टरी ओवर दोज मसल कंट्रोल. सेम थिंग विथ वोकल, ये हमें दिखता नहीं है, ये सब दिखता है. तो चम्मच ऐसे यहाँ जाएगी तो पता चलेगा यहाँ. सेम थिंग विद द वोकल कॉर्ड. सो यू हैव टू सिंग वेरियस वॉइसिस. कीप द बेन अलोन विथ यू इनसाइड माय माइंड, वो भी गाना चाहिए आपको. या आई यूज्ड टू थिंक दैट आई कुड नॉट गो ऑन, या फ्रॉम रशिया विद लव आई फ्लाई टू यू. आपको हर हर एरिया के गाने गाने चाहिए. मिमिक करो पहले, देन एडप्ट कि उसमें वो क्या क्वालिटी है, वो लोग कैसे रिलैक्स करते थे. कि पढ़ो जाने, यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड क्या फर्क पड़ता है. या पंजाबी गायकी है, पंजाबी अंग है, पटियाला घराना है, अलग अलग घराने हैं. कोई कोमल, अति कोमल गंधार कैसे लेता है अगर आप क्लासिकल जानते हो तो. दोस्त, मैं नए लोगों से बोलना चाहूँगा, ये शेयर नाव का बोर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मीठा डिज्नी का वो 3D वाला है मैजिक आई. तो इतना ही मीठा समझिए शेयर को. आप अपने यार दोस्तों को अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दो. आपको लगेगा एक व्यक्ति देखता है, वो एक व्यक्ति नहीं देखता है, वो बहुत सारे लोग देखते हैं. ओके, सो इट्स 6 o'clock नाउ. वोवल्स, जैसे कि मैंने कहा कि दो रोज में वो प्यार का दे रेज में वे पेरे के दूरूज में वो प्यार का. अलग अलग वॉइस में आप उसको वॉवल्स में गाइए पूरा गाना, पूरे प्रोनाउंसिएशंस को, एंड यू विल सी अमेजिंग डिफरेंस इन योर वॉइस. यू विल बी एबल टू सेपरेट स अ प र ट. एक एक चीज आपके उसमें थर 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 फटाफट फटाफट निकलने लगेंगी, राइट. एंड यंगर यू आर, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग इट फास्ट. और हाँ, और एक है कि 3D बोलता हूँ उसको मैं, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ पर मुझे याद है. 3D मैं उसको बोलता हूँ, डलनेस, ड्राउजीनेस और डिजीनेस. डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस. मैं आपको वो भी एक्सरसाइज का बात भूल गया हूँ अभिजीत भाई. बता, मिल गया. ओके, सो डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये तीन चीज़ें हैं. उसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है. आपको लगेगा कि मैं होम्योपैथी की पब्लिसिटी कर रहा हूँ पर वो जेन्यूनली वर्क करती है. किसी को डिबेट करनी है तो मुझे पर्सनल में डिबेट करें, मैं प्रूव करके बता दूंगा. देर आर मेनी ऑप्शंस, न्यूट्रिशन और वो सारी बातें, पर ये एक पैरेलल बहुत अच्छी सिस्टम है और हिंदुस्तान में बहुत अच्छा सिस्टम है. बहुत सस्ते में मिलता है और 50 रुपये की इतनी डिब्बी है, वो आपको चलेगी, एक साल तक चलती है. सो बेटर यू आस्क अ डॉक्टर, किसी अपने यार दोस्त के. डॉक्टर्स सिंगर्स के ऊपर मेहरबान होते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो. सो जेल्सेमियम करके एक दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. कॉस्टिकम करके एक दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. आर्सेनिक आल्ब करके एक दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. और एक कहीं वादा नहीं, और एक दवाई है थूजा. थूजा बहुत अच्छी दवाई है, ट्रेमेंडस रिजल्ट है वोकल नोड्यूल्स के लिए. मैंने मैंने अपने यार दोस्तों में देखा है ऐसे रिजल्ट्स है कि डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी करनी है. और मैं कोई चमत्कारिक बातें नहीं करता हूँ, मेरे पास साइंटिफिक, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ. तो उस लिहाज से मैं आपको जो बता रहा हूँ, एज अ नॉट एज अ कि भाई बाबा ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री. अगर आप साइंस पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा उस चीज़ को कि हाउ इट वर्क्स. और किसी को लगता है प्लेसिबो है तो मैं ये बता दूंगा कि गो एंड आस्क, चेक द फैक्ट्स. ओके, सो सेकंड, एक लास्ट आइडिया है. जो आप कोई भी गाना गाइए तो अभी गाना गाना तो गा में मेरा जो पैलेट है, पैलेट यानी सॉफ्ट पैलेट, ऊपर जो ये हमारा ये हार्ड हार्ड है, उसके बाद एक सॉफ्ट आता है जिसका मैंने आपको मसाज करने के लिए कहा कि जब हम ब्रश करते हैं इसके तुरंत बाद मुंह क्लीन करते हैं. यू हैव टू कीप ऑन दैट सॉफ्ट पैलेट को मसाज करते रहो, यूं 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 यूं. और उससे आपको यकीन नहीं आएगा, आप उतने अवेक रहेंगे बिकॉज इट हैज़ अ कनेक्शन टू योर चक्रास. वो अनुभव से ही आपको पता चलेगा. एंड देन लोअर पार्ट, लोअर पार्ट से आपको ये झटके भी लगेंगे. डू इट स्लोली, ग्रेजुअली, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक धीरे धीरे बढ़ाना. यू विल गेट ट्रेमेंडस रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट विद दिस. सो इसके अलावा भी किसको कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं.
रिगार्डिंग मैं अभी एक एक सब्जेक्ट्स को लेकर के, एंड दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी वैल्यूएबल बिकॉज मैंने क्षेत्र के निष्णातों से बैठ के, और इस बात को भी हो गए 20 साल तो हो गए, 20 साल से मैं इस चीज़ को जी रहा हूँ, आई लीव दिस सिस्टम, और मैं फुल टाइम सिंगर नहीं हूँ, फिर भी मैं एक अच्छी खासी वॉइस डिलीवर कर सकता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो उसकी वजह ये है कि आई नो द टेक्निकल इन एंड आउट्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। फिर भी किसी को कोई वोकल कॉर्ड्स के बारे में कोई सवाल है, क्योंकि मुझे सवाल आते हैं तो मैं लाइव कर सकता हूँ। मुझे कल सवाल किसी ने पूछा तो मैंने आज लाइव किया, सो इट विल बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग फॉर यू बिकॉज इट वॉज। थैंक यू, धन्यवाद विशाल भाई। सो नाउ अगर आपको किसी को कोई गाना सुनना है तो बताइए। अक्सर ये कहा जाता है कि वॉइस कल्चर और ये सब, बट वॉइस कल्चर इज द मोस्ट मिस इंटरप्रिटेड वर्ड इन आवर आवर सिस्टम। सो किसी को कोई गाना सुनना है या मैं यहीं ख़त्म कर दूं? आई विल सेट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। हाँ, जैसे कई गाने हैं, मैं आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड ही बात करूँगा। बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। ये हो गया। फिर और एक है, हाँ प्लीज मैसेज मी, आई डेफिनेटली गाइड यू। वेरी गुड क्वेश्चन हर जी, मैं जवाब देता हूँ। वो कहते उनको कहने दो या दिल की सुनो दुनिया वालो, या मुझको अभी चुप रहने दे। हाँ वर्षा बेन कहूँ, मैं गम को खुशी कैसे कह दो। हाँ है सोनल में, वो कहते उनको कहने दो या दिल की सुनो दुनिया वालों, या फिर पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ओके, वर्षा बहन का सवाल है कि रेंज कैसे बढ़ाना। सो नाउ रेंज, यू कैन नॉट इंक्रीज योर रेंज, पर जो रेंज आपके वोकल कॉर्ड या आपके सिस्टम की डिफेक्ट से दबा हुआ है, वो जैसे कि हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट बढ़ा नहीं सकते हम जेनेटिकली जो मिलता है, पर कोई वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी से या प्रोटीन कम लेने की वजह से या ज़्यादा स्ट्रेस से बच्चे की हाइट ज़रूरत से कम ज़्यादा कम है, तो उसको वो चीज़ें से निकाल के कर सकते हैं। वैसा ही सिंगिंग में है कि वो रिक्वायर्ड हाइट पे आप पहुंच सकते हो, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक तो ये नेजल है, बाकी मैं आगे कवर करते जाऊंगा, एंड देन प्रैक्टिस इज द की, वेयर पीपल यू कैन प्रैक्टिस विद द राइट अप्रोच,
15-15 मिनट मैंने जैसे कहा, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज हमारे पास मोबाइल के लिए समय, इतना सारा समय डिजिटल और सोशल और इसमें है, तो सिंगर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है शोज करना वगैरह सब सब सब। जब आप प्रैक्टिस करें तो ध्यान रखें, दिस इज योर डायफ्राम, यहाँ से यहाँ तक जाता है, बराबर। सो नाउ फोकस ऑन योर एब्डोमिन, ये आपका एब्डोमिन है, नाभि से नीचे का जो हो हिस्सा है, अगर आप सांस ले रहे हो तो आपका सांस का धक्का नाक उसकी तरफ जाना चाहिए जब आप सांस ले रहे हो, ये व्हेन यू आर ब्रीदिंग, दैट इज योर राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। वो ब्रीदिंग होगा आपका तो आपकी वेगस नर्व जो है वो सिस्टम में रहेगी एंड योर एंटायर सिस्टम इज इन ऑर्डर। सेकेंडली, आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होने चाहिए, जब भी आप बात कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो इन जनरल, तो उसके लिए आपका न्यूट्रिशनल हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथी में बहुत सारे उपाय है आपका, इफ़ यू हैव कोलेस्ट्रॉल यू हैव कोलेस्ट्रिनम, इफ़ यू हैव फैट इश्यू देन यू हैव फाइटोलका, इफ़ यू हैव डायबिटीज देन यू हैव SBL का डायबोनिल है, बट बिना डॉक्टर के आप खुद से ना लें वो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा, बट देर आर अमेजिंग मेडिसिन्स विथ अ वेरी स्मॉल फीस, बहुत कम पैसे में मिलती है वो दवाइयाँ। तो कीप योर सेल्फ, थायरॉयड के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है होम्योपैथ, आपको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी, शुगर के लिए, शुगर लो शुगर हाई एवरीथिंग, टाइप 1 टाइप 2 सारी चीज़ों के लिए है। सो कीप योर सेल्फ फिट, आपको प्रोटीन इनटेक लेना है, अगर आपको गाउट का प्रॉब्लम नहीं है यू हैव टू टेक प्रोटीन इनटेक, यू हैव टू रेगुलरली न्यूरोबाइन जैसी सप्लीमेंट्स है, फॉलिक एसिड एंड न्यूरोबाइन अगर आप सुबह शाम ले लेते हो, महीने में 10 दिन भी लिया वर्थ इट, स्पेशली फीमेल्स के लिए वो स्पेशल टाइम रहता है, वहाँ पे काफ़ी आयरन लॉस होता है। तो ये सारी न्यूट्रिशन की नॉर्मल चीज़ें हैं, और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है। कल ही मैंने एक गुजराती में किसी डॉक्टर ने कहा है, अमेरिकन डॉक्टर ने, हाई डोज वाइटामिन सी, हाई डोज वाइटामिन सी स्ट्रेट अवे नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि हाई डोज वाइटामिन सी अगर हम लेते हैं इट स्ट्रेट अवे टॉक्सिन्स निकलते हैं, और वो निकाल देगा धड़ से। पर आप अगर घर में कचरा निकालना चाहते हो और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले ब्लोअर से कचरा निकालोगे तो साथ में बैग वैग सब उड़ जाएगा घर में जो पड़ा है वो। सो ऐसा नहीं हो सकता है, कचरा निकालने का भी एक सिस्टम है, लीवर का काम है, किडनी का काम है टॉक्सिन्स को रिमूव करना, तो वो नहीं कर पाते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है ना, सडनली यू गेट इनटू अ फीवर और समथिंग वो। सो हाई डोज वाइटामिन, ये सारी बातें इंफॉर्मेशन है और सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और प्रोटीन इंटेक सिंगर्स को प्रॉपर लेना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अगर आपको इश्यू नहीं है, किडनी का इश्यू नहीं है या यूरिक एसिड का, गाउट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर लेना चाहिए। नए लोग आए उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि यहाँ लिखा हुआ है शेयर नाउ, SHARENOW, तो आप शेयर करें, दूसरे गायक गायिकाओं को भी ये माहिती पहुंचाए, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, स्पेशली अभी हम लोग बहुत मेंटल ट्रॉमा के थ्रू पास हो रहे हैं, एंड देर आर पीपल, दर्शना जी हैं अभी जुड़े हुए हैं, दर्शना जी यू कैन से अबाउट व्हाट वी हैव कम्युनिकेटेड विथ यू एंड हाउ हेल्पफुल इट इज़ टू ऑल द सिंगर्स, बिकॉज कई लोग ऐसे जिनको रिजल्ट्स मिले, कुछ एक सिंगर्स ऐसे हैं जो नवरात्रि के एक हफ्ते पहले मुझे कॉन्टेक्ट किया था और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना होगा नोड्यूल्स का, और वो अपने आप को बचा सके उससे और उनकी नवरात्रि हो भी गई, सो देयर आर रिजल्ट्स। यस थैंक यू दर्शनाबेन, यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग बिकॉज सो अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड। लोगों को ये लगता है कि मैं क्यों इतना शेयर करने के लिए चिल्ला रहा हूँ, पर मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता है, लोगों को घटना घटने के बाद फिर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं एंड दैट इज टू लेट। देर आर मैनी थिंग्स, हॉर्मोन रिलेटेड थिंग्स है सिंगर्स के लिए, जिंदगी में बहुत सारी, एंड 40+ के बाद ये सारे इश्यूज होते हैं, जवानी में तो पता नहीं चलता है। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस, और किसी को भी कोई क्वेश्चन है मुझे, हाँ जायज के बारे में अभी नहीं, आज नहीं, ये सेशन नहीं है उसके लिए। नहीं आवाज, हाँ रेंज के बारे में भी मैं बता रहा था, और आवाज़ अगर लो है तो लो आवाज़ के लिए यू प्रैक्टिस एंड यहाँ हाथ रखें गाना गाइए, यहाँ हाथ रखे गाना गाइए, पीछे यूं हाथ रखे गाना गाइए, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ हाथ रखे गाना गाइए, टैप योर सेल्फ,
अपने बॉडी को टैप करते रहिए हमेशा, कीप ऑन टैपिंग योर बॉडी एंड यू से आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ वर्थ. आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ वर्थ. और फिर ईश्वर के प्रति हमें, ईश्वर के प्रति हमें ग्रैटिट्यूड रखना है. आप बंद कर दें बका, एसी बंद कर दें. ईश्वर के प्रति हमें ग्रैटिट्यूड रखना है. सो बस इतनी बातों का ध्यान रखें. आपकी आवाज़ आपको चमत्कार लगेगा कि ये तो बाबा रामदेव की तरह हर बात करना थी हमारा थी सेल ना थी हमारा कर दे. बाबा रामदेव की तरह हर बात को सांस पे लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है. बहुत ही रिसर्च करके, जैसे वेगास नर्व का मैंने आपको बताया या सुदर्शन क्रिया है, वो सब यही कहती है. सो ऑल इंडिया कीबोर्डिस्ट, मैं आपको कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगा, बाद में आप देख लीजिएगा. Anyone has any other questions? सारे अंगों को ध्यान रखें अपने शरीर का. यू हैव टू बी अलर्ट ऑफ भगवान ने जो हमें गिफ्ट दी है, और स्टे पॉजिटिव. अपेक्षा और उम्मीद, इसका फर्क समझें. कल ही मेरी जानवी से बात हो रही थी और what was that quote which I liked the most? Hope, about hope and expectation. Hope is about the process and expectation is the outcome. Focus on the process and focus on the outcome. हाँ, तो हमें उम्मीद रखनी है, अपेक्षा ज्यादा ना रखे. जैसे आसक्ति रहित कर्म का है भगवत गीता में, तो उससे हमारा अटैचमेंट, हम लोग काम करते हैं पर वो डिटैच्ड होके करते हैं. जैसे कि स्थित प्रज्ञ हम जिसको कहते हैं, कि कमल कीचड़ में भी होता है तो भी उसे वो वाली जो हमारे संस्कृत में जो कहावतें कही गई है. सो पोस्चर पे ध्यान दो ना, सब रिलैक्स करना है लोज के लिए. माय प्लेजर. एंड लेट इट फ्लो. थोड़ी देर में आप जब खुश रहते हैं, संगीत प्रेमी आप मुझे काम करें, मुझे मेरे फेसबुक मैसेंजर पे आप अपना नंबर मैसेज करें, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा. मैं आपको, आपका हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें. पर आपके रिपोर्ट्स वगैरह सब चेक करके मैं आपको राइट गाइड करूंगा, आपके शहर के ही डॉक्टर्स के थ्रू. या पर मुझे समझना पड़ेगा, आपका केस स्टडी करना पड़ेगा. आप मुझे पूरे आपके रिपोर्ट्स है, जो आपका ब्लड शुगर, ये ब्लड प्रेशर है कि नहीं, और अगर कुछ वोकल कॉर्ड के लिए कुछ कराया है नहीं कराया, दवाई क्या लेते हो, पहले दवाई क्या ली थी या कैसे हुआ, अगले दिन क्या खाया था, प्रोग्राम के पहले कितना गाया था, किस रेंज में गाते हो, सब जानना पड़ेगा मुझे. बट यू टेल मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. कोई इश्यू नहीं है, ईश्वर मदद करेगा अपनी, डोंट वरी. मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ, आई जस्ट स्टे लिव इन अ फ्लो. मैं, मेरा गाने से कोई मतलब ही नहीं है. मैं आई एम नोन एज अ कीबोर्ड प्लेयर और अ कंपोजर और एन अरेंजर, जो भी है, पर मुझे, मैं शौक से गाता हूँ और जो मुझे ज्ञान मिलता है मैं बांटता हूँ. बस इसमें मुझे आनंद आता है, मजा आता है. सो हाँ, पर कमर्शियल शो की बात है, मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा लाइव करने जा रहा हूँ, तो मैं एक पैसा कम नहीं करता हूँ वहाँ, क्योंकि वो मेरा पेशा है. हम दुकान में जाके ये नहीं पूछते कि भाई साहब लक्स की कीमत कितनी, बोले 15 रुपया, नहीं नहीं काम करो ना, 8 कर दो ना, ऐसे तो नहीं करते. वो प्रिंटेड प्राइस है, वी हैव टू पे दैट. सो सेम थिंग विथ अ म्यूजिशियन, इफ इट्स अ प्रिंटेड प्राइस यू हैव टू पे, बिकॉज हमारा घर इससे चलता है. और आर्ट वो दूसरे प्रोफेशन की तरह नहीं है, आर्ट और सोसाइटी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे का. आज ही मेरी संजय कैनी जी से बात हुई. भाई कोई हंस रहे हैं, तो अगर खुशी से हंस रहे तो अच्छी बात है. अगर आप गलती से इस लाइव में आ गए हो तो आप गलत जगह पे हो. आप, आपको शायद कहीं आज तक या NDTV कहीं कुछ देखना है, आप गलत जगह आ गए हो. तो आप निकल जाएं या फिर मैं लास्ट में देख लूँगा और आपको मुझे ब्लॉक करना होगा. या ये उन ज़रूरतमंदों के लिए मैं काम कर रहा हूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे किसने दी है. एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको मेरा लाइव झेलना पड़ता है, बट आप, यू कैन, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रिमूविंग फ्रॉम दिस प्लेस. सो
Anyway, you practice re ga ma va ma ga re, let it flow, let it flow. 10-15 मिनट में गला थक गया, छोड़ दो, वापस करो, लेट इट फ्लो, एंजॉय करो, इस चीज़ को एंजॉय करो. जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, इसका आनंद नहीं मिलेगा. आपको करोड़ों रुपया मिल जाएगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है. सो दिस इज, और आनंद का विरुद्ध नहीं है, सुख का विरुद्ध है दुख, आनंद का दुरानंद, ऐसा कोई कुआनंद, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी जॉय. हमें जो संगीत जो माँ सरस्वती ने दिया है उसको हमको एंजॉय करना है, राइट. यू विल गेट टू योर नेचुरल रेंज. स्पेशली पॉस्चर पे ध्यान देना है, ये सारी एक्सरसाइजेज है, वार्म अप्स है, ये सब है, ये सब किया, न्यूट्रिशन मेंटेन किया, हेल्थ मेंटेन किया, एंड देन सिंग फॉर यू एंड द यूनिवर्स, सिंग फॉर यू एंड योर गॉड, सिंग फॉर यू एंड योर परमार्थ, राइट. दो क है, करुणा और कृतज्ञता, आई मीन ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन. ये दो चीज आप में रहेगी, आप बहुत खुश रहेंगे. मुझे कई लोग बोलते क्या पागल की तरह ज्ञान बांट रहा है फुकट में, बट ये जरूरत है इस वक्त की. मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, इतने लाखों दोस्त हो गए अभी, किसी एक 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 जन 5-5 रुपया भी देगा मुझे, मुझे नहीं ऐसे भगवान दिन देगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे. सो पर हाँ, करुणा और कृतज्ञता, ये अगर हमारे देश में, हमारे देश का ये धरोहर है, करुणा एंड कृतज्ञता जो मिसिंग है अभी, अगर हम सब में ये आ जाएगी. आपका वॉइस ऐसे, रफ़ी साहब का वॉइस क्यों इतना अच्छा था, कोई दिल में कुछ था ही नहीं उनको, कोई टेक्निकली ऐसे हाँ चलो अब मैं वोकल कॉर्ड दे ऐसा कुछ नहीं देखते थे वो वॉज रफ़ी साहब. दिल में उनके भगवान थे, दिल में अल्लाह थे, दिल में ईश्वर थे. या थैंक यू. सो आई मीन कहाँ वो मन रे तू काहे ना धीर धरे गाएंगे या कोई इस्लामिक प्रेयर्स करेंगे, वही सेम फील आता था उसमें, क्यों उनमें रफ़ी साहब में, क्यों क्यों कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई वो टोटल पैकेजिंग में ही हार्ट सब दिल से ही जा रहा है, जो भी जा रहा है दिल से जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है. और आप सिंगर्स हैं, भगवान ने आपको क्या दिया है, आपको आइडिया ही नहीं है. कोई आपका शो ले गया, जाने दो. कोई आपके 10 गाने गाए, गाने दो. और डेट चलेगी, भूखा मर रहे, मरने दो. वॉट गॉड हैज गिवन यू, यू मस्ट हैव वैल्यू फॉर दैट. और अक्सर मैंने देखा है कि म्यूजिशियन टीम लेके चलता है, सिंगर सोलोइज्म करके चलता है. और अरबों रुपया रहने दो, आप सुखी नहीं रहेंगे. और बोलने से, पढ़ने से, ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा. पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का. सो प्रेम बढ़ाइए, लव बढ़ाइए, प्यार बांटते चलो. इट्स टाइम टू से गुड बाय. एंड कोई भी समस्या है आपकी, जैसे भाई साहब ने अभी लिखा है, प्लीज़ मुझे मैसेज करो, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नंबर नहीं देता हूँ नॉर्मली. बट आपको नहीं मिले तो मुझे इसी में कमेंट कर देना कि सर आपका नंबर, तो मैं आपको पर्सनली आपको नंबर दे दूंगा. और चिंता ना करें, आज ही मैं आपसे बात कर लूँगा अभी लाइव ख़त्म करने के बाद. और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा. जय हिंद, जय महाराज, जय विश्व.